नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो चुका है। भारतीय टीम ने जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरा यहां पे खत्म किया। पहले यहां पे 3 T20 मैच खेले गए जो 1-1 से बराबरी पर रहते। दूसरा T20 मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। वहीं उसके बाद 4 टेस्ट मैच खेले गए थे। टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से जीता। पर्थ टेस्ट में यहाँ पे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सिडनी टेस्ट मैच जो ड्रॉ रहा था और बाकी के जो 2 टेस्ट मैच थे वो भारतीय टीम ने जीता जो एडिलेड और मेलबर्न में खेले गए थे। उसके बाद 3 वनडे मैच खेले गए जहां भारतीय टीम ने यहां पे 2-1 से वनडे सीरीज भी जीता और भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में वनडे और टेस्ट सीरीज में हराया हो। अब भारतीय टीम की यहाँ पे नजर होगी न्यूजीलैंड दौरे पर। न्यूजीलैंड का दौरा भारतीय टीम का 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी यहाँ पे टीम इंडिया को लेकर बड़ी बात की है। उन्होंने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी, साथ ही में लिखा कि एंट्री का वक्त पूरा हुआ, अब मेन कोर्स की बारी है और ये खिलाड़ी हैं स्टॉक स्टाइरिस। उन्होंने ट्वीट करके तो पहले BCCI और टीम इंडिया को बधाई दी, उसके बाद ये बड़ा बयान दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जिस टीम के साथ भारतीय टीम की भिड़ंत हुई थी वो कमजोर टीम मानी जा रही थी। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के बाहर जाने के बाद बॉल टेम्परिंग विवाद हुआ, उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों पे बैन लगा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पे पूरी तरीके से बिखर गई थी। लगातार मैचेज हार रही थी और भारतीय टीम ने भी यहाँ पे कमाल का परफॉर्मेंस किया और ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हरा दिया। लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ देखना होगा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा होता है, क्या भारतीय टीम में इतना दमखम है कि वो न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हराकर वापस आती है कि नहीं। और विराट कोहली का बतौर कप्तान ये पहला न्यूजीलैंड का दौरा होगा, सबकी निगाहें होंगी। यहाँ पे 5 वनडे मैच खेले जाने हैं। 23 जनवरी से न्यूजीलैंड यहाँ पे शुरू हो जाएगी मैच, उसके बाद 3 T20 मैच भी खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप का साल है, सभी टीमें यहाँ पे वर्ल्ड कप के हिसाब से तैयारियां कर रही हैं, अपनी प्लेइंग 11 फाइनल कर रही हैं। भारतीय टीम के पास सिर्फ 10 मौके बचे हैं, 5 न्यूजीलैंड में जो खेले जाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पे आएगी, वहाँ 5 मैचे खेले जाएंगे। तो देखना होगा कि भारतीय टीम कितना दमखम दिखाती है न्यूजीलैंड में और यहाँ पे क्या भारतीय टीम मैच जीत पाती है या नहीं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।